प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। कानपुर में पंजाब नेशनल बैंक की पांडवनगर शाखा में एक अजीबोगरीब मामला आज सामने देखने को मिला है। दरअसल यहां चेस्ट करेंसी में रखे 42 लाख रुपए सीलन में गल गए हैं। वहीं पूरे मामले की जानकारी बैंक कर्मचारियों ने जो है किसी को नहीं लगने दिया है। इसका खुलासा जब हुआ जब जुलाई में RBI की ओर से चेस्ट करेंसी का जो है ऑडिट किया गया था। ऑडिट के समय अनुमान लगाना जो रकम का था वो नहीं हो पाया था कि उन लोगों ने अनुमान लगाया था कि 4 से 5 लाख रुपए जो हैं वो जो हैं ख़राब हुए हैं। लेकिन जब एक हफ्ते बाद जो है चेस्ट करेंसी की जो है वो गिनती हुई तो खुलासा हुआ कि 42 लाख रुपए जो हैं वो सीलन में गल गए हैं। बता दें कि RBI ने जुलाई में जो है 25 से 29 जुलाई तक बैंक का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के समय तय हुआ था कि 14,75,500 रुपये जो हैं वो होते और 10 लाख रुपए का जो अंतर सामने देखने को मिला था। वहीं 10 के नोट के जो है 29 बंडल और 20 के नोट के 49 बंडल जो है नष्ट होने की बात सामने निकल कर आई थी। लेकिन जब गिनती हुई तो खुलासा हुआ कि 42 लाख रुपए जो हैं वह है यहाँ पर सीलन में गल गए। बता दें कि जो पांडवनगर की जो PNB की ये शाखा है इसमें चेस्ट करेंसी की जो है ये मुख्य ब्रांच है। यहीं पर जो है पूरी चेस्ट करेंसी जो है यहीं पर जमा होती है। जो चेस्ट करेंसी का जो पैसा है वो शाखा की जो है तिजोरी जो बनी हुई है वो यहाँ पर जो है अंडरग्राउंड बनी हुई है। वहीं बैंक सूत्रों का कहना है कि बरसात में जो है पानी जो है अंडरग्राउंड में पहुँच गया जिसके कारण जो बक्से में रखी रकम थी वो सीलन में गल गई। हालांकि अब देखना होगा कि आखिरकार बैंक कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होगी। वहीं पूरे मामले का खुलासा होने के बाद जो है 4 बैंक कर्मियों को जो है निलंबित जरूर कर दिया गया है। बैंक सूत्रों का कहना है कि जो बिल्डिंग है वो जर्जर बनी हुई है, जर्जर स्थिति में है। जर्जर स्थिति होने के कारण हमेशा बरसात में पानी का रिसाव होता रहता है। लेकिन उनका एक ये भी कहना है कि यहाँ पर जितनी जो है करेंसी रखने की क्षमता है उससे ज़्यादा यहाँ पर करेंसी रखी गई थी। आयुष तिवारी, प्रभात खबर, कानपुर। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।